हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स जो ना केवल स्कूल में बल्कि कंपटीशन क्लासेस में भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले जान लें कि मॉडल वर्ब्स क्या है। मॉडल वर्ब्स ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब्स है या सहायक क्रिया है जो मुख्य क्रिया के बारे में कुछ विशेष या खास बताती है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स है जो हमारे मूड को बताती है कि हमारा मूड कैसा है। मुख्य जो मॉडल वर्ब्स हैं वो है कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट और मस्ट। और भी मॉडल वर्ब्स हैं पर बाकी सारे वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो दोस्तों करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैन का। कैन का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट उपयोग है, वो है प्रेजेंट एबिलिटी या कैपेसिटी के लिए। वर्तमान काल में हमारे अंदर कोई भी क्षमता है, योग्यता है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं कैन का। जैसे मैंने आपके सामने बोला वी कैन ड्राइव कार। क्या दुनिया में सभी लोग गाड़ी चला सकते हैं? नहीं, लेकिन हम लोग गाड़ी चला सकते हैं। ये एक ऐसी योग्यता है जो मैंने प्राप्त की है। मैंने बोला आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्या दुनिया में हर एक व्यक्ति इंग्लिश बोल सकता है? नहीं बोल सकता। तो जहां पे हम किसी प्रकार की क्षमता या योग्यता जो कि वर्तमान काल के लिए हो उसका प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोग करेंगे कैन का। कैन का दूसरा प्रयोग है कैन आई हैव कैंडीज। किसके लिए? परमिशन के लिए, अनुमति के लिए। दोस्तों अनुमति ले रहा है, क्या मैं कुछ चॉकलेट्स ले सकता हूँ? ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये अनुमति किस प्रकार की होती है? एकदम साधारण अनुमति होती है जिसमें हमें ये पता होता है कि इसमें जवाब जो होगा वो बिल्कुल हाँ ही होगा। चलिए दोस्तों, तो हमने पढ़ लिया कैन के दो प्रयोग, आगे चलते हैं कुड। कुड का पहला प्रयोग है अनरियल एबिलिटी। जैसे मैंने आपके सामने उदाहरण बताया आई कुड गो इफ आई हैड टाइम। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं चला जाता। एक ऐसी एबिलिटी जिसको मैं पूरा नहीं कर पाया, एक ऐसी योग्यता या एक ऐसा काम जिसे मैं नहीं कर पाया, अब वो पास्ट में चला गया और मैं पास्ट को बदल नहीं सकता। इसलिए अनरियल एबिलिटी के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। दूसरा है हमारा पास्ट एबिलिटी, भूतकाल में जिस काम को मैं कर सकता था। जैसे यहाँ पे उदाहरण है आपके सामने शी कुड प्ले द पियानो। इसका मतलब वह पियानो बजा सकती थी, लेकिन अब वो पियानो बजा नहीं सकती। तो कुड का प्रयोग होगा पास्ट में हमारे पास कोई योग्यता हो उसके लिए। कुड जो होता है वो कैन का पास्ट होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं मे के बारे में। मे का एक बहुत ही आम उपयोग है परमिशन के लिए, अनुमति के लिए। जैसे पूछा जाता है मे आई कम इन। इसका उपयोग किया जाता है हमारे से बड़े जो व्यक्ति होते हैं उनसे परमिशन के लिए। कैन का प्रयोग हम साधारणतः हमारे साथ वाले, बराबर वालों, उनके लिए करते हैं, पर मे का प्रयोग हम अनुमति लेने के लिए करते हैं जो कि हमसे बड़े हों। और दूसरा मे का प्रयोग होता है अच्छी प्रोबेबिलिटी, अच्छी संभावना होने के लिए। जैसे कहा जा रहा है वी मे विजिट बीच दिस समर। इस गर्मी में हम बीच पे जा सकते हैं, इसकी बहुत अच्छी संभावना है, आराम से जा सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, तो इसकी संभावना ज्यादा है, इसलिए हमने इसका प्रयोग किया है मे का। माइट, दोस्तों माइट का प्रयोग जो होता है स्मॉल प्रोबेबिलिटी, बहुत कम संभावना के लिए। अब जैसे मैं एक राजस्थान का व्यक्ति हूँ, मुझे राजस्थान बहुत पसंद है, आई माइट मूव टू चेन्नई समडे। मैं किसी दिन चेन्नई चला जाऊंगा, चेन्नई शिफ्ट हो जाऊंगा, मुझे राजस्थान बहुत पसंद है, तो इसकी संभावना बहुत कम है कि मैं यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के चेन्नई चला जाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया माइट। अगर संभावना होती तो हम लगाते मे, लेकिन संभावना बिल्कुल नहीं है, बहुत कम संभावना है, तो हमने लगाया माइट। आगे जो वर्ड है वो हमारे सामने मस्ट। रेस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही, जिम्मेदारी। एवरी वन मस्ट पे टैक्सेज, टैक्स सभी को पे करना चाहिए, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, तो हमने प्रयोग किया है मस्ट का। दूसरा है अजम्पशन, किसी चीज को मानना, मान लेना कि ऐसा हुआ है। शी डिडंट अराइव, वह नहीं आई। सी मस्ट बी सिक, इसका मतलब वह बीमार होगी। हम लोग मान रहे हैं कि वह नहीं आई तो शायद हो सकता है वो बीमार रही होगी, इसलिए ऐसा नहीं हुआ, इस काम के होने की पूरी पूरी संभावना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विल,
विल का प्रयोग करते हैं हम लोग आने वाले भविष्य के लिए। जैसे मैंने एक वाक्य बोला आपके सामने, टॉम विल ट्रेवल टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक, अगले वीक टॉम जो है वो न्यूयॉर्क जाएगा। तो इसका प्लान है, फ्यूचर का प्लान है पहले से ही, तो वो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने काय का प्रयोग किया दोस्तों, विल का। आगे आता है वुड, वुड का प्रयोग हम करते हैं पास्ट में, अगर कोई भी हमारी आदत होती है तो हम यूज्ड टू के स्थान पे वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक वाक्य है, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था, आई वुड प्ले सॉकर, तब मैं फुटबॉल खेला करता था, पास्ट की हैबिट हो गई है। दूसरा यूज है प्रेजेंट अनरियल, एक ऐसा वर्तमान काल का कार्य जो पूरा नहीं हो सकता। आई वुड बाय द कार बट आई कांट अफोर्ड इट, कि मैं कार खरीदता लेकिन मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसको ले लूं। तो वुड के हमने दो प्रयोग देखे हैं, एक तो है हमारी पास्ट की आदत को बताने के लिए, एक प्रेजेंट में जो काम वास्तव में नहीं हो पा रहा है उसको बताने के लिए। दोस्तों सेल का प्रयोग हम लोग देखते हैं, सेल का प्रयोग होता है किसी काम को ऑफर करने के लिए। जैसे किसी ने मुझसे कहा, शैल आई क्लीन इट, क्या मैं इसे साफ कर दूं। शैल का एक और प्रयोग है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति आपस में कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं, जैसे किसी वर्कर ने कहा द कंपनी शैल पे ऑन जनवरी फर्स्ट, कि फर्स्ट जनवरी को कंपनी को पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी का और एम्प्लॉयर का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो सेल के हमने दो प्रयोग देखे हैं, पहला है किसी काम को ऑफर करने के लिए और दूसरा है किसी प्रकार का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो उसके लिए। शुड, दोस्तों शुड का प्रयोग हम करते हैं सलाह को देने के लिए। जैसे साधारणतः इसका प्रयोग किया जाता है, मैंने कहा यू आर इल, आप बीमार हो, यू शुड गो टू द डॉक्टर, आप बीमार हो तो आपको डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाना चाहिए। पर दोस्तों ध्यान रखें, अगर आप बहुत ज्यादा बीमार हो तो यहाँ पे शुड का प्रयोग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे मस्ट का प्रयोग। जैसे वाक्य ऐसा हो, यू आर वेरी सीरियसली इल फ्रॉम 5 डेज, तो क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यू शुड गो टू द डॉक्टर की जगह लगाएंगे यू मस्ट गो टू द डॉक्टर, क्योंकि वहां पे आपको जाना ही चाहिए, वरना उसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है।